हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज ये है आटा और ये है आलू का, आलू और धनिया पत्ती मिर्चा का मिक्स। मैं बनाऊंगी आज आलू की पूड़ी। उसको कुछ लोग पराठा भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल वगैरह नहीं होता है तो उसको हम लोग यहाँ पूड़ी बोलते हैं। और ये आलू की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। आज लंच में हमारा ये यहाँ पे मैं रख दी हूँ तवा। चलो मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं पूड़ी आलू की, जैसा कि अभी इंट्रो में थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को। जो हमारा ये बनाने का तरीका है ये थोड़ा सा अलग होता है। मैं शुरुआत में सिर्फ आटे में आटे को डो मतलब वो चकली को जो है बेलने का काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही आलू का वो सब भरने के बाद हम इसको बेलन से नहीं, बेलन नहीं चलाते हैं उस पर। जिसको जैसे इजी लगता है वैसे बनाते हैं, तो मुझे बेलन से नहीं, हाथ से ही उसको प्रेस करते हुए और फिर हाथ से ही जैसे रोटी बनाते हैं, जो मोटी रोटी होती है पानी लगा के, तो जैसे मक्के की या फिर बाजरे की, इसी तरह से मैं इस वाली पूड़ी को बनाती हूँ। अच्छा लगता है, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। बस ये है कि आपको खाना बनाते वक्त कोई भी उसमें आप कितना आपको मज़ा आता है, तो इस तरह से है कुछ। तो मुझे बहुत हाथ से बनाने में मज़ा आता है। इसी तरह से करते करते मैंने चार चार या पांच बना था। और अब जैसे ठंडी का समय स्टार्ट होता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। अभी नई वाली आलू नहीं आ रही है, मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ठंडी के समय में आपको एकदम अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की धनिया मिल जाएगी, हरा लहसुन मिलेगा और फिर नई वाली आलू होती है। इसी प्रकार से अब मटर भी आने लगेगी खूब बहुतायत मात्रा में। तो जो खाने का और सब्जियों का जो मतलब अच्छा वाला सीजन है, मुझे लगता है कि ठंडी सबसे बेस्ट होती है। तो काफ़ी दिन हो गया था मुझे, आज मन ही कर रहा था, हमने कहा रोज़ रोज़ क्या ही वही सब्जी रोटी सब्जी चावल दाल चावल, कुछ अलग बनाते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे ही बनाते खाते हुए चलते हुए। निकलते रहिए अपने जीवन के जो बहुत बिजी समय है। एक तो जब भी मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ, पता नहीं कहाँ से ये कबाड़ी वाले, तो कहीं कुछ आवाज़ ज़रूर आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, ये भी तो रियल लाइफ का एक पार्ट है। जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हों वो भी आप महसूस करते रहिए, है ना। हाँ, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप हाथ से ही क्यों कर रही हैं, आपके पास वो चिमटा बोलते हैं ना उसको, जो जिससे उठाते उठाते हैं, तो है चिमटा है, लेकिन माहिर आदमी है हम, मेरा हाथ जलता नहीं है, वो हो जाता है हाथ से ही। लगता है जब तक आप चिमटे को पकड़ो उससे ये वो करो, तब तक हाथ से ही कर लो, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथ मजबूत है, मतलब काम वाम अच्छे से किया गया हाथ है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म लगा और जल गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, यही सब है, ऐसे ही आज थोड़ा सा खाने पीने का थोड़ा सिस्टम बना, तो मुझे लगा कि लाइए आप सबके बीच में भी थोड़ा सा इसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। यही सब है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मतलब क्या शानदार, जितने लोग इसको खाए होंगे वो फील कर पा रहे होंगे कि कितना अच्छा लगता है ये खाने में।
और फिर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि दिल्ली में ना सारे जो भी हम लोग खाने की वैरायटी खा मतलब जानते हैं अपने क्षेत्रों में, चाहे वो सब्जियों का हो चाहे किसी की, यहाँ भाई साहब सबको लपेट के पता नहीं अलग ही टेस्ट दे दिया जाता है। और चूंकि हम लोग वो अलग अलग तरीके से खाए हुए होते हैं, तो यहाँ जब ऐसे मिलता है तो लगता है कि क्या ही है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि कुछ लोग इसको पराठा भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग के साइड में पराठा नहीं होता है। आलू की पूड़ी हो या आलू की कचौड़ी हो, और जो अंगेठे में रखा हुआ जमाया हुआ दही होता है मोटी साड़ी के साथ, साड़ी मतलब जो मलाई उसके ऊपर पड़ती है उसके साथ, गजब लगता है। लेकिन शहर वाले सिर्फ ऐसे ही, मैं शहर वाले मतलब मैं अपने को बोल रही हूँ कि ऐसे सिर्फ बोल सकते हैं, दही तो वो वाली नसीब नहीं हो सकती है। लेकिन और सारी चीज़ें जितनी संभव है, हम कोई भी टेस्ट अपने जो खाए हुए हैं उसको हम छोड़ते नहीं हैं, बीच बीच में हम बनाते रहते हैं। जब मौका लगता है, हम जो भी मन मेरा करता है मैं बनाती हूँ, खाती हूँ। और यहाँ पे मैं स्पीड कर दी हूँ, क्योंकि कितना देर तक कोई आप सब देखेंगे एक ही चीज़, एक ही एक कैसे बन रहा है, एक बार दिख गया बात ख़त्म, क्या ही उसको बहुत डिटेल में दिखाते रहना ही है। एक साइड ये मैं बना रही हूँ, दूसरे वाले जो चूल्हा है उस पे मैं वैसे सेक रही हूँ जैसे आग पे सेकते हैं ना, उस तरह से, ताकि वो अच्छा लगता है उस तरह से सेक के खाने में, थोड़ा सा सुंधी सुंधी टेस्ट आता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सब चल रहा है। और अगर वीडियो पसंद आया हो और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप लोग फॉलो ज़रूर करके जाइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आपके इस असीम सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, और असीम से असीम आप सपोर्ट करिए हमको। आप सबसे मिलते रहेंगे, आप सबके बीच ऐसे ही आते रहेंगे अपनी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से।